आपको बता दूं कि जो पावर विंडो का हमारा सर्विसिंग कॉस्ट है वो एक पावर विंडो का 250 रुपये आता है, दो पावर विंडो का 500 रुपये आता है। आप के गाड़ी के ऊपर भी मैटर करता है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, ठीक है, कितना लंबा काम होने वाला है। अगर नॉर्मल आप पावर विंडो सर्विस करवा रहे हो तो 250 रुपये एक का आता है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अबाउट बाइक्स एंड कार्स, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजू, लेकर आ गए हूँ आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज सुबह सुबह हम लोग निकले थे विसर्जन के लिए, लक्ष्मी पूजा का जो मूर्ति विसर्जन के लिए निकले थे, और विसर्जन करके आ रहे थे। रिटर्न होते टाइम ये वाला हमारा जो पावर विंडो है लेफ्ट साइड का, ये वर्क नहीं कर रहा था, अचानक से ये वर्क करना बंद कर दिया, 50% में ही रुक गया था। अब ऐसे सिचुएशन में मैं गाड़ी को कैसे लॉक करूँ, कैसे बाहर लगाऊँ घर के, और रात के टाइम पे अभी गाड़ी वाड़ी बहुत पर्व त्यौहार के टाइम चोरी वगैरह होती है, तो इसका काम कराना बहुत ज़रूरी था। तो फटाफट से अभी मैं आ गया था काम कराने के लिए, और काम पावर विंडो से रिलेटेड सर्विस की वीडियो यूट्यूब में बहुत कम ही मिलती है, तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप घर पे ही इसको ऑपरेट कर सकते हो, खुद से कैसे सर्विस कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ समझ आने वाला है। चलो चलते हैं फटाफट से और वहीं पे स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का वीडियो। सो गाइस, अभी हम लोग आए हुए पावर विंडो बनाने के लिए। अपना जो पावर विंडो है हमारा उस तरफ का, वो वर्क नहीं कर रहा था प्रॉपर, और भैया का कहना है कि लॉन्ग टाइम तक यूज करने से थोड़ा सा ग्रीस मोबिल सूख जाता है, जो लुब्रिकेंट सूख जाता है उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो अभी हम लोग इसको सर्विस कराने वाले हैं, तो दोनों साइड के पावर विंडो हमारे सर्विस होने वाले हैं। भैया आपका नाम थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम है सुब्रतो। सुब्रतो भाई, आपका नंबर बता दीजिए। तो भाई 8709469524। भाई सब इलेक्ट्रिक का काम करते हैं ना भाई? आप टोटल इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, और गामा भाई के यहाँ में है अभी, और गामा भाई का लोकेशन तो आप लोग को पता है, पहले भी मैंने यहाँ वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी लास्टली मैं एक बार लोकेशन बता दूंगा। तो अभी भाई हमारा सर्विस कर रहे हैं दोनों पावर विंडो मशीन का, और देखते हैं किस तरह का भाई सर्विस कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग को खुद रिव्यू मिल जाएगा। और आप लोग का भी ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक काम हो गाड़ी से रिलेटेड, बूफर वगैरह सब का काम करते हैं ना भाई? हाँ भाई, बूफर वगैरह टोटल इलेक्ट्रिक का काम भाई करते हैं, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। और भैया ऐसा चार्ज क्या होता है कोई इलेक्ट्रिक काम करने का? जैसा काम रहता है उस हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। ऐसे मतलब लेबर चार्ज अगर बोलेंगे, काम करा रहा है कोई, सर्विस करा रहा, तो 300-400 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 300-400 रुपये भाई बोल रहे हैं उनका चार्ज है, लेबर चार्ज अगर आप कुछ काम कराते हैं, और बाकी जैसा आप काम कराओगे उस हिसाब से उसी के ऊपर रेट रहता है। लंबा काम रहेगा तो भाई उसका चार्जेस रहेगा, छोटा काम रहेगा तो उस हिसाब से भैया कुछ कर देंगे डिस्काउंट। तो अभी देखिए इसका पैड खुल रहा है हमारा, साइड वाला डोर पैड, उस साइड का तो डोर पैड हमारा खुल चुका है। लंबे टाइम से, इट मीन्स मैक्सिमम 7 साल हो चुके हैं गाड़ी को, और 7 साल में पहली बार ये मेरा साइड पैड खुला है, 7 साल में पहली बार पावर विंडो में मेरा प्रॉब्लम आया है। वो भी प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा कार्बन आ गया था, और कार्बन का सॉल्यूशन कर दिया था भैया ने। फिर भी मैं सोच रहा हूँ जब गाड़ी खुली हुई है तो एक बार काम करवा ही लेते हैं, अभी फिर 2-3 साल के लिए फिर सोचना नहीं पड़ेगा गाड़ी में, एक बार करवा लेते हैं काम। और इस तरह देख लो भाई अंदर में रस्टिंग हो चुका है, तो इसको देखते हैं भैया से क्या हो सकता है। और ये है हमारा साइड पैनल जो यहाँ खुला हुआ है, तो उस साइड भी मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई ये सेकंड साइड का हमारा साइड पैनल है, तो रोड साइड पे हम लोग खड़े हैं, तो अगर थोड़ा सा नॉइस पोल्यूशन हो रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और इस साइड भी आप देख लो भाई खुला हुआ है पूरा, ठीक है, और ये प्लास्टिक लगा हुआ है, हम लोग इसमें किसी तरह का कोई टैंपिंग वगैरह नहीं कराया है गाड़ी में। चलो भैया आ गए हैं, अभी फटाफट सबको काम दिखाते हैं।
वहाँ पे हमारा सॉकेट है तो अलग हो चुका है अभी। यही है वो किट जिससे हमारा पावर विंडो ऑपरेट होता है। ये है वो मोटर, आप देख सकते हो ये मारुति सुजुकी से ही यहाँ पे लगा है, इंस्टॉल हुआ है। ये आप देख लो पैनल्स वगैरह थोड़ा सा रस्टिंग हो चुका है, इसको अभी भैया पूरा सर्विस करने वाले हैं, तो दिखाते हैं आपको प्रोसीजर किस तरह से सर्विस होता है ताकि आप अपने घर पर भी इसको कर सको। अभी दिखाते हैं हम लोग। कितना वाट करता भाई मोटर? 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट करता। ये है आर्मेचर, आर्मेचर हमारा बिल्कुल सही है भाई। कि ये कार्बन अगर जब बिक जाता है ये अलग से भी मिलता है। अच्छा। और ये आप कंप्लीटेड भी लगा सकते हैं। ये सब कुछ मतलब हर पार्ट से मिलता है ना आपका मार्केट, हर पार्ट मिल जाएगा भाई। तो अगर आपका मोटर खराब हो गया तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो बन जाता है, रिपेयर हो जाता है भाई। ये सब बोल रहे हैं कार्बन से लेकर आर्मेचर सब कुछ मिल जाता है ना भाई। क्यों भाई इतना पैसा इन्वेस्ट करके नया मोटर लगाना जब आपका मोटर ही बन सकता है 200-300 रुपए के खर्च में। इंस्टॉल हो जा रहा है सर्विस करने के बाद हमारा ग्लास होल्डर और मोटर। अभी हमने इग्निशन ऑन कर दिया है, हमारा इंजन ऑन है और एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई का, भाई काम बहुत स्पीड है ठीक है। हम लोग आए अभी 10-15 मिनट हुआ कि नहीं, भाई ने दोनों डोर का हमारा सर्विस भी कर दिया। कितने साल से भाई इस काम में? 8-9 साल हो गया।
8-9 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ही सोच सकते हो कि भाई का काम कैसा होगा। और प्रेफर करूंगा आपको, एक बार जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप आओ एक बार काम कराओ। और भैया हम लोग का चैनल से कोई आएगा तो कुछ कर देंगे ना? ठीक है, मतलब हमारा चैनल का नाम है अबाउट बाइक्स एंड कार्स। ठीक है, तो भाई अगर आप हमारा वीडियो देख के आ रहे हैं तो भाई को हमारे चैनल का नाम बताना, भैया कुछ कर देंगे डिस्काउंट। और भैया के यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, टोटल काम होता है डेंटिंग पेंटिंग का, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, तो टोटल कार का काम होता है भाई। यहाँ एसयूवी सेडान वगैरह सबका काम होता है ना, तो सारे मॉडल्स का यहाँ पे काम होता है भाई। ऐसा मत सोचना कि हैचबैक का होता है, सेडान हैचबैक एसयूवी सारा, फोर व्हीलर में सारा गाड़ियों का काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग वाला गाड़ियों से लेकर सारे गाड़ियों का काम होता है। तो अभी हमारा ये फिटिंग होने वाला है, देख लो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को और मैं दिखा देता हूँ पावर विंडो किस तरह का काम कर रहा है। और ये देख लो, साइड भी चेकआउट कर लो। यहाँ पर भी चेकआउट कर लेते हैं हम। बढ़िया तरीके से काम कर रहा भाई। तो ये हमारा डोर लॉक हो चुका है। सो गाइस, इधर भी हम लोग लॉक कर देते हैं। लाइबॉय हो चाहे कोई भी हो भाई, सैनिटाइजर यूज करो, क्योंकि अभी तक कोरोना इंडिया में है। गया नहीं, सैनिटाइजर यूज करो। गाइस, हर बार की तरह इस बार भी बोलना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें, लाइक करें और प्लीज यार सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस।